जिसमें एक अपराधी ने कोर्ट रूम में जो है अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें जो अपराधी के साथ साथ एक 7 साल की बच्ची भी, 7 साल की बच्ची थी वो भी घायल हुई है और एक तो वकील भी उसमें घायल हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लगातार सुरक्षा के दावे करे जाते हैं, मेटल डिटेक्टर गेट पर आए गए हैं, बीच में ये था कि कोई भी बाहर आ गया तो उसकी जांच करी जाएगी, उसके बावजूद भी कहा कि अपराधी पुलिस प्रशासन जो है जो सुरक्षा की जो बात करती है वो सिर्फ एक छलावा है, वो किसी प्रकार से अपने उसमें लगा रहता, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा के वो नहीं रहता, सारे इनके दावे खोखले होते हैं, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा ये नहीं कर पाते हैं। जब कोई ऐसी घटना घटती है उसके बाद उसको बचाने में इस तरह से पूरा प्रशासन लग जाता है जैसे कि लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बताया तो यही जा रहा है कि वकील के वेशभूषा में, लेकिन ऐसे वकील जाते हैं तो उनके साथ इतनी तरह की पुलिस प्रशासन छानबीन करता है तो क्या ऐसे मामले में क्या पुलिस थोड़ी सी निगरानी नहीं कर सकती है? अपराधी को असलहे के साथ कोर्ट रूम में कैसे पहुंच जा रहा है? ये बताइए कैसा पहले तो ये बताइए, जब आप यहाँ पे हैं तो आप भी पुलिस वहाँ अंदर कैसे चली गए भाई? जरा बहुत बड़ी घटना, सीपी साहब को बुलवा लीजिए। यही जानते हैं ईडी वाला जांच है, इस वजह से 3-4 दिन ईडी है रे। अरे डीजी तो ला लो, डीजी अरे डीजी ये डीजी ला लो। पुलिस वाले जो है अब ये मैनेज करने लगी है जीवा को, मतलब ये खाली स्पष्ट कर अभी सिचुएशन देखिए, यहाँ से उनको ले गए हैं अस्पताल, उसके बाद अभी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानकारी करने के बाद ही उनकी स्थिति के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। सर संपर्क किया बजरा का जीवा कुमार भाई हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।